सताबू हमारे पिता देसताब हमारे बिता देने जाकर के चले का रस्ता हम, बच्चे दे के चले हम दे जा के क्या देखा कि बच्चे प्रार्थना करते आज मैं हूँ बांदा जिले के अतर्रा के सवा में यहाँ पे एक संस्कार शिक्षा केंद्र है जहाँ पे जिसमें यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी काम चल रहा है यहाँ पे जो सुरेश जी हैं उन्होंने तीन साल पहले इस संस्था को शुरू किया था और उस टाइम पे जब कोरोना काल चल रहा था उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और प्रेग्नेंट थी उसको लेकर के काफ़ी परेशान थे उनका इलाज कैसे करें तो लंदन की एक अन्नपूर्णा डॉक्टर अन्नपूर्णा थी जिससे उनका संपर्क हुआ और अपनी बीवी और पत्नी को बचा पाए उस माहौल में उस तरह जब सारे लोग परेशान थे आज क्या कार्यक्रम आज महिलाओं और बच्चों महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को लेकर के एक विचार गोष्ठी रखा था जिसमें समुदाय के सब लोग उपस्थित हैं उसी पर एक कार्यक्रम चल रहा है महिलाओं में जो कुपोषण है या जो कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है कुपोषण का शिकार हो जाती हैं तो उसी के तहत जागरूक करने के लिए ये गोष्ठी का आयोजन किया गया था ये संस्था विगत तीन सालों से काम चल रही है और मैं काम अठारह सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं अभी तक तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं लेकिन सौ महिलाएँ हैं जिनके बीच में मैं जाता हूँ और साठ बच्चे हैं जिनमें तीस बालिका हैं तीस बालक हैं जिनके बीच में मैं काम कर रहा हूँ बीस किशोरियाँ हैं जिन जिनको जागरूक करने का काम जिनकी महीने में मंथली बैठक करने का काम शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने का काम लैंगिक भेदभाव है उसको दूर करने का, जो सामाजिक सामाजिक भेदभाव है महिलाओं के साथ उस उसको कैसे समाप्त किया जाए ये प्रयास कर किया जा रहा है वो लंदन से हमारे एक, एक साथी हैं जो डॉक्टर पैसे से डॉक्टर हैं जो इन कामों के लिए हमारा थोड़ा सहयोग और मार्गदर्शन करते हैं वो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जब महामारी के टाइम पे आ, सुरेश की मिस आ, उनकी धर्मपत्नी को बीमार है जब सींचे और हम उनकी सहायता जब कर पा पाए तो उससे बहुत खु, बहुत खुशी हुई उसके बाद में पता चला कि सुरेश ऐसे एम हैं और वो स्कूल भी चलाना चाहते हैं तो हमने उनके साथ जो आ, काम किया है उससे बहुत बहुत हमें खुशी हुई है कि हम कुछ तो कर पाए इन बच्चों के लिए और अब तो ये स्कूल चलाते हैं और मुझे आ, महिलाओं के स्वास्थ्य में भी बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि मैं लेडी डॉक्टर की तरह कुछ तो कर पाऊंगी इन महिलाओं के लिए और जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मासी जो हेल्थ होती है वो लड़कियों के लिए वो कल का कार्यक्रम है वो करना चाहिए करना चाहती हूँ मैं सुरेश से ये सब मौका मिला है हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हम कुछ तो कुछ करें और हमारा विशेष उद्देश्य तो यही है सारे बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो और उनकी इनिंग शुरू हो जैसे मैं देख रही थी कि बच्चे कितने चतुर हैं खास तौर से जो किया था जिमनास्ट थे तो पूरी कोशिश करूँगी इसी तरह उनकी कोचिंग हो अब ये से होगा आ, सम, समझ नहीं आ रहा पर प्रबंध तो करना पड़ेगा तो मेरा जो उद्देश्य तो मेनली है क्यों मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो जब बच्चे मेरे सामने आते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं खूब सिखाऊं उनको डांट के <laughs> तो मेरा यही उद्देश्य होगा कि इनकी पढ़ाई खूब हो इनकी ट्रेनिंग हो और खेल में भी माहिर हो जाएं पढ़ाई में भी माहिर हो जाएं और नृत्य और जिम्नास्टिक्स में भी माहिर हो जाएं। हमारा आज का मेन उद्देश्य है कि जानकारी करें क्या यहाँ पे क्या व्यवस्था है और हम उस व्यवस्था के लिए क्या प्रबंध कर सकते हैं कोरोना महामारी के टाइम पर सुरेश जी ने हमारे टेलीफोन कंसल्टेशन जो ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ इंडियंस ऑफ ऑरिजिन के द्वारा किया गया था उससे किया था तो ये हम दिखा रहे हैं आपको आंगनबाड़ी घर और इस ये जो छोटा सा आंगनवाड़ी घर ये उस टाइम पर बंद था तो उसकी पिताई पुताई करवाई हमने और सुरेश जी ने इसमें छोटा सा स्कूल खोला है जिसमें ये दलित मज़दूरों के बच्चे आते हैं सारे बच्चे पहले स्कूल गए ही नहीं थे ये पाँच से अठारह साल तक के बच्चे थे और हैं भी तो सुरेश उनको हर रोज़ पढ़ाता है और अनुमति मिली है हमें सरपंच से और हमारी ये आशा है कि उनको बहुत सारी किताबें पढ़ाएं और यहाँ पर लाइब्रेरी बनाएं और महिलाओं के लिए बैठक करें और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करें तो हमारा हम उनके साथ काम करते हैं प्रधान जी के साथ दीनदयाल शोर संस्थान के साथ और बांदा मेडिकल कॉलेज के साथ काम करते हैं और हमारी ये आशा है कि ये बढ़ता जाएगा लेकिन आपकी सहायता की जरूरत है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा